आपका स्वागत है आज की एक और एक्सेसरी वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग के एक और अपकमिंग डिवाइस, एक सैमसंग M51 बड़ा ही दिलचस्प फोन होने वाला है और बड़ा ही शानदार और दमदार स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम सैमसंग M51 के बारे में जानेंगे। जल्दी में इसलिए करते चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने इस वीडियो को तक लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना, कंटेंट बहुत अच्छा है। और आज की इस वीडियो में हम M51 के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। फिलहाल न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन आपको मतलब ड्यू टू लॉकडाउन एंड COVID-19 इसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन आपको शायद से सेप्टेम्बर के महीने में देखने को मिले, बिकॉज जो कंपनी की प्रोडक्शन है एम्प्लॉयज नहीं थे, मशीनरी काम नहीं कर रही थी, प्रोडक्शन बंद थी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई। सो इसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन शायद से, आपको कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, ये वाला स्मार्टफोन आपको जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलना था बट ये नहीं मिला, और ये वाला स्मार्टफोन आपको शायद से सेप्टेम्बर के महीने में देखने को मिल जाए, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। और ऐसा अभी सैमसंग ने कोई भी क्लेरिफाई नहीं किया है। तो ऐसे ये वाला स्मार्टफोन आपको मतलब सेप्टेम्बर के महीने तक ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर एक टिपिकल डिजाइन जो सैमसंग का होता है वो आपको फ्रंट साइड में एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में बिंदी जो कैमरा रहेगा बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पे फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड स्क्रीन और फ्लैट डिस्प्ले होने वाली है, जो कि यार एक बड़ा ही जबरदस्त डिस्प्ले होने वाली है। यहाँ पर आपको शायद से 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले ही देखने को मिले, इसके रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन नहीं। अगर इसमें 90 हर्ट्ज मिल जाती है तो यार रिफ्रेश रेट के साथ में तो डिस्प्ले फिर से एक और कमाल धमाल होने वाली है, बट इसके रिगार्डिंग फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसे ही मैं बात करूं, बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगा, और बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल के साथ में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल यहां पर आपको टेलीफोटो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंस या फिर मैक्रो शॉट्स के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो मेनली ये वाला स्मार्टफोन आपको एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन के साथ में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर प्रोसेसर भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपकी बार इस स्मार्टफोन के अंदर। मतलब फाइनली सैमसंग ने अपने एक्सियोस वाले प्रोसेसर को छोड़ के इस प्रोसेसर मतलब इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी गीक बेंच पे ये वाला स्मार्टफोन लिस्ट हुआ था कुछ दिन पहले, जहाँ पे इसके स्कोर्स आए थे, स्कोर्स के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोसेसर मैच कर रहा है स्नैपड्रैगन 675 और 730 के साथ में। और इस ऐसे में ये वाला स्मार्टफोन अगर 730 के साथ में आता है तो एक बहुत ही बेहतरीन डील होने वाली है। और आज के टाइम पे हम नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो शायद से हमें ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन डील के साथ में देखने को मिल जाए। और सैमसंग भी सोच रहा है, जब इतने सारे पोल्स, इतने सारे लोगों ने सैमसंग को भरोसा दिलाया है, सैमसंग के स्मार्टफोन परचेज करने की उम्मीद जगा रहे हैं नॉन चाइनीज ब्रांड को लेकर के, जैसे सैमसंग इसका प्राइस शायद से बहुत कम रख सकता है और ये ओनली एंड ओनली ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया जाएगा शायद से, और शायद से इसका प्राइस बहुत ही बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव देखने को मिल जाए स्मार्टफोन का मार्केट के अंदर। जैसे कि अभी 730 के स्मार्टफोन्स आपको लगभग, लेकिन कैमराज क्वालिटी, एमोलेड स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जरूर सकता है, बट शायद से कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आपको 15-16-17 हजार की रेंज में इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल जाए, बड़ा ही जबरदस्त रहेगा यार। और कंपटीशन के अंदर सैमसंग इस स्मार्टफोन को इस प्राइस में लेकर आ जाता है तो इससे अच्छी डील मैं नहीं मानता कि कुछ और हो सकती है। ऐसे में हम नॉन चाइनीज ब्रांड को प्रेफर करके हम सैमसंग का स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो यार आपको क्या लगता है सैमसंग M51 के बारे में, आप कितना एक्साइटेड हैं? और शायद से ये वाला स्मार्टफोन मैं जैसे बता रहा हूँ सेप्टेम्बर के महीने में आ सकता है, थोड़े से निराश जरूर हुए होंगे। तो ऐसे इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं यहाँ पे कम्युनिटी टैब में या फिर स्टोरीज में बता दूंगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।